हाय देयर, वेलकम बैक, वेलकम बैक टू आचीज किचन। आज की रेसिपी जो मैं के लेके आई हूँ, क्या रेसिपी है वो जो हमको पिंडों में इंडिया पाकिस्तान में मिलते थी, जब हम जाते थे लोगों के घरों में या अपने घरों में तो हम बनाते थे, वो नींबू की शिकंजवी। क्या टेस्ट था उसका वो, हाय हाय, मुंह में पानी आ रहा है। तो चले देखें, बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें थोड़े से नींबू चाहिए, हमें चाहिए थोड़ी सी चीनी चाहिए, फिर हमें चाहिए थोड़ा सा नमक। तो आए इसको बनाते हैं। तो पहले मैंने क्या करना है, मैंने 5 या 6 टेबलस्पून जो चीनी के हैं वो मैंने थोड़े से पानी में जग में ऐसे मिला के और उस चीनी को उसमें घोल देना है, अच्छे से घोल देना है। जब चीनी हमारी घुल जाएगी तो फिर हमने क्या करना है, हमने उसमें थोड़ी सी बर्फ डालनी है और उसको हमने उसमें मिक्स करके उसको और भी ठंडा कर देना है। तो उसमें फिर हमने थोड़ा सा नमक डालना है। मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है, आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। तो फिर उसको भी मैंने ऐसे मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपने नींबू लेने हैं। मैंने वही टेस्ट डालने के लिए, मैंने वो जो पाकिस्तान या इंडिया में वो जो छोटे छोटे नींबू नहीं मिलते, मैंने वो लिए थे। तो ये मैंने 5 इसको लेकर, तो इसको मैंने जूस कर दिया है। और फिर जब मैंने इनका जूस निकाला है तो वो जूस मैंने उसी जग में डाल दिया है जिसमें हमने चीनी और नमक का मिक्सचर जो हमने बनाया था। तो ऐसे जब मैंने उसको नींबू का रस जो है वो मैंने उसमें डाल दिया जग में, उसको फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। जब वो अच्छे से मिक्स कर दिया है तो फिर मैंने जग भर दिया है पानी से। तो ऐसे जग भर के तो फिर उसको दोबारा मिक्स करके, तो फिर आपने देखना है मिक्स अच्छे से करके उसको थोड़ा सा ना आप टेस्ट कर लेना। जब आप उसको टेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें थोड़ी सी और चीनी चाहिए या नमक चाहिए या नींबू का रस और चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाला था क्योंकि मुझे कम लगा था, और मैंने 3 और नींबू का रस निकाल के ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो क्या टेस्ट बना था। फिर मैंने इसको हिला के मैंने अपने जो ग्लासेस है उसमें डाल दिया था। तो मैं तो जा रही हूँ गार्डन में इसको पीने के लिए, ठंडा जाके चेयर पर बैठती हूँ और इसके मज़े लेती हूँ। तो आप भी बनाएं, हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन मत भूलिएगा दबाना। और चलें फिर, मिलती हूँ एक और दिन एक और रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय।